हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में लेकर किसी पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक की धार की दिशा को व्यक्त करे, तो शेष जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं। अगला हेडिंग दिया है हमारा ये दूसरा नंबर, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट हेडिंग है। यदि किसी धारावाही चालक दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो शेष जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को व्यक्त करती हैं। अगला हेडिंग देखते हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे बोलते हैं अरेस्टेड का प्रयोग। ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग, एग्जाम में कई बार पूछा गया है अरेस्टेड का प्रयोग। तो दिखा है, अरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया, जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा होगा, अरेस्टेड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक चुंबकीय सुई ली और उसे स्थिर अवस्था में छोड़ दिया। स्वतंत्रता पूर्वक होने के कारण जब वो सुई स्वतंत्रता पूर्वक अवस्था में आई तो चुंबकीय आमुत्तर में ठहर जाती है, जैसा कि आपने देखा भी होगा इसका एक्सपेरिमेंट, ठहर जाती है। तो उन्होंने एक तांबे के तार को चुंबकीय सुई के ऊपर गुजारा और उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। पुनः उन्होंने तार को क्या किया, उन्होंने चुंबक के नीचे से गुजारते हुए विद्युत धारा प्रवाहित की, जिसके कारण चुंबकीय सुई पहले वाले विक्षेपण के विपरीत दिशा में घूम जाती है। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, जो चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। ये आपका अरेस्टेड का प्रयोग था। तो चुंबकीय सुई पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए एम्पियर का एक नियम दिया, जिसे एम्पियर का तैरने का नियम भी कहते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं डियर, इसका नाम है एम्पियर के तैरने का नियम। इस नियम के अनुसार कोई व्यक्ति, थोड़ा स्लाइड को ऊपर करते हैं और अच्छे से देखते हैं इसको, कोई व्यक्ति धारा की दिशा में इस प्रकार तैरे कि नीचे चुंबकीय सुई स्थित हो, तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव व्यक्ति के बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाता है। अगला हेडिंग देखते हैं, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यदि किसी प्लास्टिक गत्ते या कागज को बेलनाकार रूप में मोड़कर कुचालक पदार्थ के ढके तांबे के तार में को लपेट कर बनाई गई संरचना को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका कई कुंडली से बनी होती है। जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की भांति कार्य करने लगते हैं, और इसके निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं पहला क्या दिया है। जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर स्थित होती हैं, अतः परिनालिका के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। अगली हेडिंग देखते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट दिया हुआ है आपका यहाँ पे डियर, लिखा हुआ है आपका, चुंबकीय बल रेखाएं सिरों के आसपास होती हैं, अतः सिरों पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि दूर जाने पर चुंबक दुर्बल हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं दूर हट जाती हैं। चौथा दिया है, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। परिनालिका के सिरों पर यदि उसमें प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो दक्षिणावर्ती ध्रुव की भांति ही क्या करता है, व्यवहार करता है, और यदि धारा वामावर्त हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो वह उत्तरी ध्रुव की ही भांति व्यवहार करता है। अगला देखते हैं हम लोग, सिक्स नंबर पॉइंट लिखा है, यदि किसी धारावाही परिनालिका में गर्म लोहे की छड़ डाल दी जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की प्रबलता बढ़ जाती है, और लोहे इस पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोड बोला जाता है। फर्स्ट नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा है, यदि परिनालिका में, यहाँ पे देखिएगा, यदि परिनालिका के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्न विधियों से बढ़ाई जा सकती है। परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या बढ़ा करके, दूसरा जो पॉइंट होती है परिनालिका में विद्युत धारा के मान को बढ़ा करके, और तीसरा जो होता है क्रोड के द्वारा। तो ये तीन आपके पॉइंट थे। अगली हेडिंग हमारा दिया है डियर, जिसमें लिखा है, किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो धारावाही चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है दिया हुआ है यहाँ पे डियर हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग ये भी है कि किसी जब किसी रेखाखंड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। बायो सेवर्ट के नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि किसी धारावाही चालक का रेखाखंड डेल्टा एल हो में प्रवाहित धारा एम्पियर हो तो चालक की जो धारा दूरी होगी वो आर पर स्थित है तो पी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला जो होती है वो होता है आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाखंड डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। तो पहला आपका पॉइंट ये हो गया। दूसरा दिया है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, तो बी अनुक्रमानुपाती आई हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे रेखाखंड दिया आपका यहाँ पे, रेखाखंड डेल्टा एल बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाले कोण जो है कि अनुक्रमानुपाती होती है, तो बी अनुक्रमानुपाती साइन हो जाएगा आपका। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी से उत्पन्न जो आर के वर्ग के क्या होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बी अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/r² की होती है, स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चारों समीकरण को मिलाएंगे 1, 2, 3, 4 को, तो बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो जैसे हैं अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे बी इक्वल टू हो जाएगा के डेल्टा एल आई साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। के एक नियतांक है जिसकी के की जो वैल्यू होती है वो म्यू जीरो अपान 4π होता है, अतः के की जगह हम क्या रखेंगे म्यू जीरो अपान 4π। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4π डेल्टा एल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर।